हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जूही बंसल है। तो आज हम करेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में हम बेसिक रूल करेंगे, पावर फंक्शन एंड इंटीग्रेशन बाय डिवीजन। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, जो भी मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो हम स्टार्ट करेंगे आज इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन क्या होता है? तो इंटीग्रेशन क्या है? रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी जो हमने डेरिवेशन किया था उसके रिवर्स को ही क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन कहते हैं। इंटीग्रेशन में क्या होता है, जो हम क्या करना है, फाइंड क्या करना है, फंक्शन को फाइंड आउट करना है। तो हम रूल्स देखते हैं, रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो फर्स्ट रूल क्या आ जाता है? फर्स्ट आ गया हमारा पावर फंक्शन, ठीक है। पावर फंक्शन में रूल फर्स्ट आ गया हमारा, जैसे कि हमें x की पावर n दे रखी है, ठीक है। रूल फर्स्ट है, x की पावर हमें n दे रखी है, तो हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का साइन ऐसे बनेगा, देन हमें x n dx लिखना है, ठीक है। देन इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, जो पावर है वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ठीक है, प्लस वन हो जाएगी। तो x n प्लस वन, ठीक है, सेम एज इट इज जो पावर होगी वो नीचे भी ऐड हो जाएगी, n प्लस वन, ठीक है। तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देन सेकंड रूल देखते हैं इसका, रूल सेकंड में क्या कहते हैं, अगर हमारे पास 1 बाय x दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 1 बाय x दिया हुआ है, तो इसको हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे। इंटीग्रेशन का साइन 1 बाय x dx, तो इसको क्या करेंगे, log x हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, log x आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल है, जैसे हमने डेरिवेशन इजीली समझ लिया था वैसे ही करेंगे। एग्जाम्पल देती हूँ फर्स्ट का, पहले, ठीक है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है x की पावर 5, तो इसको कैसे करेंगे, सिग्मा x 5, ठीक है, dx। देन क्या करेंगे, x 5 प्लस 1, 5 प्लस 1, ठीक है। तो क्या आ गया, x की पावर 6 एंड नीचे भी क्या आ गया, 6। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर, ठीक है। एक और ट्राई कर लेते हैं हम, 5 x की पावर 6 दी हुई है, तो इसको भी सेम एज इट इज करेंगे, 5 x 6 dx। फिर क्या करेंगे, 5 x 6 प्लस 1, 6 प्लस 1, 5 x 7 by 7, तो ये क्या आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो ये इजी सा है इंटीग्रेशन हमारा टॉपिक। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हमारे पास वैल्यू हमें कांस्टेंट में गिवन है, ठीक है, जैसे कि ओनली वन है, तो वन का कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास सिग्मा वन दिया हुआ है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स आ जाएगा इसका, वन का करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, ठीक है। देन हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट, इंटीग्रेशन बाय डिवीजन, इंटीग्रेशन बाय डिवीजन।
ठीक है, इसमें क्या दिया होगा हमें, इंटीग्रेशन की फॉर्म डिवाइड की फॉर्म में दे रखी है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, डिवीजन का रूल क्या होगा, हमें क्या करना है, डिवाइड करना है दोनों को, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं हम डिवाइड, x प्लस वन एक्स क्यूब, ठीक है। इसको अब हमें डिवाइड करना है जब तक रिमाइंडर वन ना आ जाए, कम से कम वन आना चाहिए, ठीक। तो x प्लस वन, तो हम किससे डिवाइड करें कि हमारा x3 आ जाएगा, तो x प्लस वन को अगर हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब क्या आ जाएगा, x की स्क्वायर प्लस वन x स्क्वायर, और x स्क्वायर प्लस x कितना होगा, x क्यूब। तो ये आ गया हमारा, मतलब x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये वही जो हमने मैथ में छोटे होते किया होता है, वही डिवाइड है, माइनस का साइन हो जाएगा और ये कट हो जाएंगे, तो यहाँ क्या बच गया, माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स की स्क्वायर। अब सेकंड इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, प्लस वन माइनस एक्स, ठीक है, माइनस एक्स, और इधर करा तो माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। फिर साइन चेंज, तो आगे हमारे पास क्या आ गया, एक्स, और इधर क्या आ जाएगा, माइनस एक्स। तो अब हम किससे मल्टीप्लाई करें, ये हमारा एक्स है वन से, तो वन प्लस एक्स आ गया ना, तो एक्स प्लस वन, ठीक है। फिर साइन चेंज हो गए, वन आ गया माइनस का वन, ठीक है, तो ये आ गया प्लस वन, तो हमारा ये आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, अब ये रिमाइंडर बच गया, तो इसको भी साथ लेना है, माइनस वन बाय एक्स प्लस वन, ठीक है, इसका डी एक्स। अब इसको जैसे हमने इंटीग्रेशन का पावर फंक्शन किया था वैसे ही करेंगे हम इसको, एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स डी एक्स प्लस वन डी एक्स, फिर वन एक्स प्लस वन डी एक्स, ठीक है, सेम एज इट इज करेंगे। इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वन टू प्लस वन, ठीक है। फिर इसका करेंगे, एक्स का क्या आ जाएगा, एक्स वन है ना पावर वन प्लस वन, नीचे भी वन प्लस वन, ठीक है। फिर यहाँ पे वन है तो वन की क्या बनती है, एक्स, ठीक है। और अगर हमें नीचे दिया हुआ एक्स प्लस वन तो क्या आ जाएगा, इसको ऊपर अगर वन है तो लोग एक्स प्लस वन, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं सॉल्व, एक्स क्यूब प्लस वन बाय थ्री माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस एक्स माइनस लोग एक्स प्लस वन, तो ये आ गया हमारा फंक्शन। तो ये फंक्शन अगर हम अगर इसका उल्टा करेंगे डेरिवेशन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम इस चीज का डेरिवेशन करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट में क्या आएगा, ये ही आ जाएगा, ठीक है। इसका रिवर्स ही होता है, तो हमने इसको उल्टा किया, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा था, इंटीग्रेशन बाय डिवीजन, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।